दोस्तों पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में से कौन है आपका फेवरेट प्लेयर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज कोलकाता बनाम दिल्ली का एकदम हाई वोल्टेज मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया, जहां कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। दिल्ली के ओपनर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने एकदम विस्फोटक शुरुआत की और कोलकाता के बॉलर्स की एक ना चलने दी। पावर प्ले के दौरान शॉ और वार्नर ने कोलकाता के सभी बॉलर्स को स्टेडियम के चारों ओर रन बनाए, जहां पावर प्ले के पहले तीन ओवर में ही 34 रन बन चुके थे। पावर प्ले के आखिरी तीन ओवर में भी वार्नर और शॉ ने 34 रन जोड़े और 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 68 रन बिना किसी नुकसान के, जहां डेविड वार्नर 27 पर वहीं पृथ्वी शॉ 36 रनों पर नॉट आउट खेल रहे थे। पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने अटैक जारी रखा और 8वें ओवर में महज 27 गेंदों पर पृथ्वी शॉ ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े और 9वें ओवर में पृथ्वी शॉ 51 रन बनाकर आउट हो गए। अब डेविड वार्नर का साथ देने आए कैप्टन ऋषभ पंत। पंत ने आते ही 2 सिक्स और 2 फोर लगा दिए, वहीं दूसरी तरफ से डेविड वार्नर ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच पंत और वार्नर के बीच 55 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। जब दिल्ली का स्कोर 148 रन था तब ऋषभ पंत 27 रन बनाकर और वहीं जब दिल्ली का स्कोर 152 रन था तब डेविड वार्नर 61 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर मौजूद थे ललित यादव और रॉबमन पॉवेल, पर ललित और रॉबमन भी सस्ते में आउट हो गए और दिल्ली का स्कोर 166 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर के बाद। 18वें ओवर से आए 10 रन और दिल्ली का स्कोर 176 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पर मौजूद थे शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल। पैट कमिंस के 18वें ओवर से आए 9 रन और वहीं 19वें ओवर में उमेश यादव ने 23 रन दे दिए, जहां अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ने उमेश यादव के ओवर से 3 सिक्स लगा दिए। 19 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 199 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर कराने आए पैट कमिंस और कमिंस के आखिरी ओवर से अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ने 16 रन जोड़े और दिल्ली का स्कोर 215 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। अब कोलकाता को ये मैच जीतने के लिए 216 रनों की आवश्यकता थी। 216 रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता को बेहद ही खराब शुरुआत मिली और तीसरे ओवर में वेंकटेश अय्यर 18 रनों पर और 5वें ओवर में अजिंक्य रहाणे 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। कोलकाता का स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद। अब क्रीज पर मौजूद थे श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा। पावर प्ले के आखिरी ओवर में आए 3 रन और 6 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 14 ओवर में केकेआर को 173 रनों की आवश्यकता थी। पावर प्ले के बाद श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने अटैक करना शुरू किया और 7वें 8वें और 9वें ओवर से 31 रन जोड़े। 9 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर के बाद श्रेयस अय्यर ने 2 फोर वहीं नीतीश राणा ने 3 सिक्स लगा दिए और 10वें 11वें और 12वें ओवर से 34 रन जोड़े, पर 12वें ओवर में अच्छा खेल रहे नीतीश राणा 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने आए एंड्रे रसल। आखिरी 8 ओवर में केकेआर को 107 रनों की आवश्यकता थी। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने मात्र 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अर्धशतक बनाने के बाद श्रेयस अय्यर 54 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। केकेआर का स्कोर 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 36 गेंदों पर केकेआर को और 85 रनों की आवश्यकता थी, जहां क्रीज पर एंड्रे रसल और सैम बिलिंग्स मौजूद थे, पर 15वें ओवर में सैम बिलिंग्स और वहीं 16वें ओवर में 9वें आए पैट कमिंस और सुनील नरेन आउट हो गए। केकेआर का स्कोर 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 4 ओवर में केकेआर को 73 रनों की आवश्यकता थी।